भारत ने रविवार को काबुल से अपने नागरिकों और अफगान भागीदारों को निकालने के मिशन के तहत 3 अलग अलग उड़ानों में 2 अफगान सांसदों सहित 392 लोगों को एयरलिफ्ट किया। भारतीय वायुसेना IAF के C-17 परिवहन विमान में 107 भारतीयों और 23 अफगान सिखों और हिंदुओं सहित कुल 168 लोगों को काबुल से दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस के लिए रवाना किया गया था। एक अन्य विमान दुशांबे से 87 भारतीयों और 2 नेपाली नागरिकों को तजिकिस्तान की राजधानी ले जाने के एक दिन बाद स्वदेश लाया गया। तीसरी उड़ान 135 भारतीयों को वापस ले आई, जिन्हें पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और नाटो विमानों द्वारा काबुल से दोहा लाया गया था। उनमें से अधिकांश विदेशी कंपनियों के कर्मचारी थे। सूत्रों ने कहा है कि अमेरिका, कतर, तजिकिस्तान और अन्य देशों द्वारा अपार मदद प्रदान की गई। 168 के समूह में 2 विधायक अनारकली होनरियार और नरेंद्र सिंह खालसा शामिल थे। दिल्ली आने पर श्री खालसा टूट गए। उन्होंने भारत सरकार और PM नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उनके पिता अवतार सिंह 2018 में जलालाबाद में हुए आतंकी हमले में मारे गए थे। इस बीच काबुल हवाई अड्डे के बाहर तालिबान द्वारा चलाई गई गोलियों में 7 लोग मारे गए थे। निकाले गए लोगों में अफगान सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने कहा, भारत हमारा दूसरा घर है। अफगानिस्तान में रहते हुए भी लोग हमें हिंदुस्तानी कहेंगे। मैं भारत और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हमारी मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ। अफगानिस्तान की स्थिति पर उन्होंने कहा, तालिबान पर भरोसा नहीं करा जा सकता। सूत्रों ने कहा है कि AF में अभी भी लगभग 400 भारतीय हो सकते हैं। सरकार उन्हें निकालने की कोशिश कर रही है। सत श्री अकाल जी, आई मैं अनारकली होनरियार, मैं अफगान पार्लियामेंट आफ्टर हाउस। थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन एयर फोर्सेस, हरीत सिंह चंदोक, फॉर लिफ्टिंग अस फ्रॉम काबुल एंड सेविंग माय लाइफ। आई अलॉन्ग विद अदर इंडियन एंड अफगान्स are on way to Delhi.